दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 जनवरी साल 2022 में पृथ्वीराज मूवी रिलीज होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ मानुषी छिल्लर मेन लीड रोल में अभिनय करती नजर आएंगी। हालांकि ये मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई, मगर इस मूवी के ट्रेलर ने लाखों करोड़ों दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, क्योंकि इस मूवी में मानुषी छिल्लर के साथ साथ अक्षय कुमार का भी किरदार लाखों करोड़ों दर्शकों को बेहद ही पसंद आ रहा है। वहीं दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वीराज मूवी अक्षय कुमार से पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई दिग्गज अभिनेताओं को ऑफर की गई थी, मगर उन्होंने किसी न किसी वजह से इस मूवी में काम करने से मना कर दिया। तो आखिरकार वो चार अभिनेता कौन है और किस वजह से उन्होंने इस मूवी में अभिनय करने से मना कर दिया, तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं अक्षय कुमार से पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री के किन अभिनेताओं को ये मूवी मिली थी। नंबर वन, संजय दत्त। इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेता संजय दत्त का नाम शुमार होता है। वहीं आपको बता दे, इन्हें भी पृथ्वीराज मूवी में अक्षय कुमार से पहले लीड रोल का ऑफर मिला था और संजय दत्त ने लीड रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया तो ये लीड रोल में फिट नहीं बैठ पा रहे थे, तो मेकर्स ने इन्हें दूसरे रोल के लिए कास्ट कर लिया, जिसके चलते अक्षय कुमार को पृथ्वीराज मूवी में लीड एक्टर का ऑफर मिल गया। नंबर टू, ऋतिक रोशन। इस लिस्ट की दूसरी कड़ी में अभिनेता ऋतिक रोशन का नाम शुमार है। आपको बता दें, इन्हें भी पृथ्वीराज मूवी अक्षय कुमार से पहले मिली थी, मगर इन्होंने इस फिल्म के ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया कि इन दिनों अपने पर्सनल लाइफ में बिजी है, जिसके चलते इस फिल्म में काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से अक्षय कुमार को पृथ्वीराज मूवी का ऑफर मिल गया। नंबर थ्री, अजय देवगन। इस लिस्ट की तीसरी कड़ी में नाम शुमार होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के सिंघम यानी कि अजय देवगन का, जिन्हें भी पृथ्वीराज मूवी अक्षय कुमार से पहले ऑफर हुई थी, मगर इन्होंने इस मूवी को ये कहकर ठुकरा दिया कि अपने आने वाली फिल्म मैदान की शूटिंग में बिजी है, जिसके बाद ये मूवी अक्षय कुमार को ऑफर कर दी गई। नंबर फोर, रणवीर सिंह। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार डांसर रणवीर सिंह का। इन्हें भी अक्षय कुमार से पहले पृथ्वीराज मूवी का ऑफर मिला था, मगर इन्होंने इस मूवी में अभिनय करने से मना कर दिया, जिसकी वजह ये है कि अब हिस्टोरिकल फिल्मों में काम नहीं करना चाहते और इस तरह से पृथ्वीराज मूवी में काम करने का ऑफर अक्षय कुमार को मिल गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पृथ्वीराज मूवी में इन सब अभिनेताओं में से कौन सा अभिनेता शानदार अभिनय प्रदर्शन कर सकता था? आप हमें उस अभिनेता का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।